अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंसार व्लॉग्स में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है, बढ़ते कोरोना की वजह से सऊदी सरकार ने 4 फरवरी को अपडेट दिया था टम्परेरी फ्लाइट को, और सऊदी अरब में होटल हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, खेल का हुआ, जिम हुआ, उस पर प्रतिबंध 10 दिन के लगा दिया था। तो उन्होंने आज 14 फरवरी को सुबह का फिर अपडेट दिया है, जो कि मैं असर के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। तो उन्होंने फिर अपडेट दिया है कि ये 20 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया। उन्होंने पहले अपडेट दिया था 10 दिन के लिए, जो कि आज 10 दिन खत्म हो गया, लेकिन उस पर फिर 20 दिन आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन इसमें एक बात और ख्याल रखिएगा, इसमें फ्लाइट का नामो निशान नहीं दिया गया है। इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है कि फ्लाइट को 20 दिन बढ़ा दिया गया, नहीं। फ्लाइट जैसे प्रतिबंध लगा है, प्रतिबंध वैसे ही है। उस पर कोई तारीख नहीं है, ना ही कोई टाइम है खोलने का, ना ही जैसे शुरू में कहा था कि फ्लाइट पर प्रतिबंध, टाइम नहीं दिया, तारीख नहीं दिया, तो वैसे आज भी फ्लाइट पर वही बैन लगा हुआ है। लेकिन सिनेमा घर हुआ, और इंडोर हुआ, होटल हुआ, कैफ हुआ, जिम हुआ, तो इस पर 20 दिन का टाइम दिया है कि 20 दिन इसको बढ़ा दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया क्लियर कि फ्लाइट का नामो निशान नहीं है। तो यही छोटा अपडेट था दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना वायरस का जो आज 14 फरवरी का कोरोना वायरस का अपडेट है, 322 न्यू केस आए हैं और 282 केस रिकवर हुए हैं, यानी ठीक हुए हैं 282 लोग, और 4 लोगों का इंतकाल हुआ। अभी एक्टिव केस 2714 केस हैं। ये राहत की बात है कि आज भी कोरोना वायरस केस कम मिले हैं, 322। तो दोस्तों, यही अपडेट था, मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।